नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये सामने अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नींबू का पौधा है मेरा। वैरायटी शायद कागजी वैरायटी है ये। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे नहीं वैरायटी का पता था, लेकिन वैरायटी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस नींबू की वैरायटी किस टाइप के, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ये नींबू था जिस बहुत मतलब बीज वाला नींबू था, लेकिन बहुत छोटे छोटे नींबू, और आप जितना एक पेपर पतला होता है उस पेपर पतला जितना छिलका इसका है। तो वैरायटी का मुझे आइडिया था पत्तों को देख के या वैसे नींबू को देख के, तो मैंने नींबू लगाया हुआ था। और अब जैसे कि आज 13 सितंबर है डेट, तो 2023, तो आप अपने सामने ये नींबू का पेड़ देख रहे हैं। एक साल भी नहीं हुआ है मुश्किल से, फरवरी मार्च में ये मैंने लगाया था, और आप देख रहे हैं अच्छी ग्रोथ कर रहा है। नीचे से देखिए, ग्राफ्टेड है, यहाँ से ये कलम लगी हुई है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। और देखिए, अब जो है दूसरी जो है इस पर फसल, मतलब पहली फ्रूटिंग मैंने नहीं ली थी, पहली फ्रूटिंग जो थी इसकी मैंने उसके सारे नींबू तोड़ दिए थे। आए थे नींबू, बहुत ज़्यादा नींबू आए थे, लेकिन मैंने सारे नींबू तोड़ दिए थे। और अब आप ये देख रहे हैं दूसरी, इसमें जो है सर्दियों की जो नींबू लग रहे हैं, सर्दियों के लिए नींबू लग रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे इसमें आप ये देख रहे होंगे फूल आ रहे हैं। हर डाली पे बहुत अच्छे फूल हैं, नींबू भी लग रहे हैं आप ये देख रहे होंगे, और भी बहुत सारे नींबू हैं आप ये देख रहे हैं। नींबू लग रहे हैं, फूल भी बहुत आ रहे हैं आप ये देख रहे होंगे, और छोटे छोटे नींबू भी कन्वर्ट हो चुके हैं फूल में। और बेसिकली मेरा जो मोटिव था वो इस वीडियो को बनाने का ये था कि भाई आप अपने जो फ्रूट्स के प्लांट हैं उनकी ध्यान कैसे रखें। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपने पौधों में हर 15 से 20 दिन में निराई गुड़ाई ज़रूर करें। हवा जो जड़ों को जो है, हवा निकलने की, जो उनकी जड़ों को थोड़ा सा हवा लगने का एक ज़रिया बन जाता है, जिससे कि आप निराई गुड़ाई करते हैं। ज़्यादा गहरी नहीं करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ खुरपी लीजिए, गमले में लगा रखा है, नीचे लगा रखी है, ज़मीन में लगा रखा है, या टेरेस गार्डन में आपने अगर पॉट्स में लगा रखे हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ज़मीन से इतना आपको खुद ही लगानी है उसमें, बस ज़्यादा नहीं लगानी है, इतना बस, 2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच मैक्सिमम। और उसका जो एक पर्पज़ होता है, उसका एक, जब हवा लगेगी आपकी पौधों के, फ्रूट्स के, प्लांट के, या कोई भी प्लांट आपने लगा रखा है, चाहे वो टेरेस पे लगा रखा है, ज़मीन में लगा रखा है, कैसी भी लगा रखा है, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ये देखिए, ये देखिए, नई नई ग्रोथ आती है हर महीने। मैं क्या है कि मेरे तो जब मुझे टाइम मिल जाता है 25 दिन, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हर 15 दिन 20 दिन में लगाता हूँ, जब भी आपको टाइम मिले 20 दिन 25 दिन, महीने में, महीने से ज़्यादा ना हो, हर महीने कम से कम एक बार निराई गुड़ाई ज़रूर कीजिए। और एक दिन उसे शाम को लगाइए, और एक दिन उसको ऐसे ही ज़मीन को निराई गुड़ाई करके छोड़ दीजिए, एक दिन के बाद उसमें पानी दीजिए। और आप ये देखेंगे, मैंने तो खैर बहुत सारे फ्रूट के पेड़ लगा रखे हैं। तो ये देखिए, ये मेरे सेब का पौधा है, ये भी, ये और ये नींबू दोनों है, एक साथ ही लगाए थे। ये देखिए, अभी मैंने जो है, ये देखिए मेरे पास ये कसिया है, इसे हम हरियाणा राजस्थान में जो है कसिया बोलते हैं, जो कि खेत में काम आता है। तो ये देखिए मेरा सेब का पौधा है 5-6 महीने का, और ये देखिए कीनू, ये कीनू का है। ये देखिए नीचे भी मैंने उसमें निराई गुड़ाई कर रखी है, और ये देखिए, ये जो है करीब करीब मान लीजिए 1.5 साल का पौधा हो गया ये। अब देखिए, ये 1.5 साल का है, ये मेरा दूसरा सेब का पौधा है, इसको भी 1.5 साल के आसपास हो गया है। कीनू और ये सेब दोनों मैंने साथ लगाए थे, और इस बार इसमें जो है फूल आए थे, लेकिन मैंने उस टाइम ये थोड़ा छोटा था, तो मैंने इसके फूल जो है वो तोड़ दिए थे। और ये देखिए, अब आप इसका तना देख रहे हैं, बहुत अच्छा मोटा हो रखा है, और निराई गुड़ाई देखिए मैंने कर रखी है। और ये मेरा अमरूद का पेड़ है,
ये अमरूद का जो है 6-7 महीने का है। ये देखिए अमरूद, इसमें देखिए जो पहला फल है वो मैं आइडियली नहीं लेता हूँ, लेकिन रीज़न उसका ये है कि भाई मुझे जो पेड़ अमरूद का है इसकी वैरायटी देखनी है। तो आगे जाके मैं जो है इसमें से 2-3 ही नींबू रखूँगा। इसमें अभी 8-10 नींबू लग रहे हैं, वो सारे में जो है इनमें से सिर्फ 2-3 ही नींबू रखूँगा, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि इसका फल कैसा है। और अगर ज़्यादा मैं अमरूद रखूँगा तो फल जो का जो ये पौधा है या पेड़ है ये ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरा ये मेरा आम का ग्राफ्टेड है, अब ये देखिए और इसमें भी निराई गुड़ाई कर रखी है। दूसरा एक और मेरा नींबू का पौधा है, ये देखिए इसमें भी आपको फूल नज़र आ रहे होंगे और नींबू भी नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए सामने। तो अभी सर्दियों के लिए इसमें नींबू आने शुरू हो गए हैं, ये करीब करीब 1 साल हो गया है इसको लगाए हुए। ये देखिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और नीचे से मैंने इसकी निराई गुड़ाई आज मैंने सारे पौधों में किया है। ये मेरा जो है मौसमी का पौधा है, ये देखिए मौसमी का, ये भी ग्राफ्टेड है। ज़्यादातर मेरे जो 95% जो पौधे हैं मेरे ग्राफ्टेड हैं या एयर लेड हैं, बीज से मेरा कोई भी पौधा नहीं है लिया हुआ मैंने, लगाया हुआ। तो ये देखिए ये मौसमी का है, और ये मेरा एक आम का पेड़ है। ये देखिए निराई गुड़ाई इसमें भी कर दिए हैं, और देखिए ग्रोथ देखिए आप, ये मुश्किल से 5-6 महीने का पौधा है। ये मेरा एप्पल बेर का, ये देखिए ये एप्पल बेर का है मेरा, ये मेरा एक सीडलेस नींबू जो है, ये लग रहा है सीडलेस नींबू, ये देखिए ये भी अभी 4-5 महीने का है, फरवरी मार्च में लगाया था। और ये भी, और ये देखिए ये 2-3 महीने के आसपास की लीची है। और ये देखिए ये कीनू है मेरा, कीनू, ये कीनू है, इसको करीब करीब लगाए हुए साल तो नहीं हुआ होगा, लेकिन 8-10 महीने हो गए हैं इसको भी लगाए हुए। और इसकी देखिए खोदी मैंने, इसमें अभी सारे जो मेरे पौधे हैं, ये बेल का भी छोटा है, ये भी 1 महीना पहले ही लगाया है, ये देखिए। और ये आप देख रहे होंगे अंजीर, इसे भी अभी जो बेल के साथ ही लगाया है, 2 महीने मुश्किल से हुए होंगे। अभी देखिए ग्रोथ, और इसमें तो अंजीर भी आने शुरू हो गई थी, आप यहाँ देखेंगे तो ये छोटी सी मैंने अंजीर यहाँ तोड़ी थी, तो डंडी आपको नज़र आ रही होगी। और मेरी एक वीडियो भी रखी है चैनल पे, जिसमें आपको आप जाके देख सकते हैं अंजीर, और मैंने इसकी केयर का बताया था। और ये एक कीनू का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इसको भी करीब करीब 8-10 महीने, जो पहला कीनू आपको जो मैंने वहाँ खंबे के पास दिखाया था, वो वहाँ पर जो ये कीनू है, ये जो कीनू आपने देखा था, ये भी कीनू में जो है मेरा 8-10 महीने का हो गया है। और देखिए हर पौधे का मैंने जो है इसमें खोदी लगा रखी है। ये आम का है मेरा, ये देखिए ग्रोथ देखिए इसकी, 5-6 महीने के आसपास का ये आम होगा, ये वाला। और वो जो उधर आपको आम जो दिखाया था उधर, एक यहाँ लग रहा है और एक वहाँ जो लग रहा था, वो दो आम के पेड़ एक साथ लेके आया था मैं ये दोनों। और ये देखिए इसकी भी एक जो है मेरी एक वीडियो चैनल पे है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये पहले बहुत भारा था और झुका हुआ था, तो मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, ये देखिए। और ये जो है आप देखेंगे, ये चकोतरा का पौधा है, अभी इसे मैंने मुश्किल से 1 महीने पहले ही लगाया है, और ग्राफ्टेड है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ग्राफ्टेड पौधा है, यहाँ से ग्राफ्ट लगी हुई है इसकी, तो ये भी ग्राफ्टेड है। और मेरे पास एक बड़ा पौधा भी है जो कि मैंने लगा रखा है, उसमें एक वीडियो उसकी भी मेरे चैनल पे है, जिसमें चकोतरा कहते हैं हिंदी में, पमेलो फ्रूट जिसे कहते हैं, जिसका बहुत बड़ा फ्रूट होता है और सिट्रस फ्रूट में काउंट होता है, बहुत मीठा होता है पकने के बाद। तो ये भी एक वैरायटी है, देखिए मैंने इसमें खोदी लगा रखी है। तो कहने का मतलब है, अगर आप जितनी खोदी लगाएंगे
उतना जो है आपका पौधा पेड़ जो है ग्रोथ करेगा। वहाँ पर देखिए वो, तो मेरा कहने का मतलब आप जितना आप अपने पेड़ों का ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छी तरह अच्छी ग्रोथ करेगा। खाद पानी इनकी, इसमें कोई कीट पतंग तो नहीं लग रहे हैं जिससे पत्ते ख़राब हो रहे हैं या फल ख़राब हो रहे हैं, उनका इलाज कैसे करना है, उन सब चीज़ों का, मिट्टी में खाद पानी कब देना है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी जो फल या जो भी पौधे आपने लगा रखे हैं उनकी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। तो दोस्तों ये एक अपडेट था मेरे जो फ्रूट्स के प्लांट जो मैंने लगा रखे हैं। थैंक यू।